मेरे ममिया ससुर आदमी छोटे साहब और हमारे साला भाई जयवर्धन सिंह जी, विधायक काशीलाल जी, अलावा जी, मंच विराजमान सभी सम्मानित कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और 3 तारीख के दूल्हा, उम्र थोड़ी हमारी दोनों की एक बराबर है, आदरणीय केएल अग्रवाल जी, इस सभा में पधारे सभी सम्मानित बुजुर्ग माताएं बहन व हमारे प्रिय नवयुवक साथीगण, कल मैं कमलनाथ जी के साथ जयसिंह नगर में था, सागर जिले में, जहां एक छोटे महाराज चुनाव लड़ रहे हैं। एक महाराज तो कमल लक्ष्मण सिंह जी कह रहे हैं खदेड़ना है सिंधिया जी, लेकिन सागर में एक छोटे महाराज भी हैं, उनका नाम है गोविंद राजपूत। अरे जो पे जिंदाबाद कहेगी। अब आदरणीय कमलनाथ जी ने जब कहा मुझसे कि कल क्या बामोरी चल सकते हैं, मैंने बड़े भारी दिल से उनका आग्रह स्वीकार किया और उसका कारण है भाइयों, 1970 के दशक में मैं यहां पर सिरसी के जंगलों में शिकार खेल चुका हूं, रामपुर टैंक में बतख मार चुका हूं, लेकिन 7 बार का विधायक हूं, 1985 से विधायक था, 2 बार नेता प्रतिपक्ष था, लेकिन गुना जिले की सल्तनत में मुझे इजाजत नहीं थी सिंधिया लोगों की वजह से कि मैं यहां उपस्थित हो सकूं। मैं आ सकता था सिर्फ तो रावगढ़ में, वो भी कभी पारिवारिक कोई मसला होता था। आज हम सही में स्वतंत्र हैं, आज सही में ऐसे गद्दारों से छुट्टी मिली है जिन्होंने अपनी पपोती बांध सकी है कि गुना जिला हमारे मुट्ठी में है। अरे 3 तारीख को बमोरी की जनता बता देगी कि गुना जिले किसके मुट्ठी में है, यहां के जनता जनार्दन तय करेगी कि वो सिंधिया गद्दार के लिए हमारे विचार क्या है। मेरे पिताजी भी 3 बार मुख्यमंत्री थे और उनके साथ इसी क्षेत्र के विधायक सागर सिंह सिसोदिया जी थे, जो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। आज वो जहां भी हो सिसोदिया जी, क्या सोच रहे होंगे उनका लड़का कहां चला गया, कौन से रास्ते में भटक गया, पोता कहां भटक गया, पोता तो ऐसा भटका कि उसने भाषण में क्या कहा, बहन सिसोदिया कहते हैं मैं तो सिंधिया जी के जूते उठाने लायक हूं। अरे भैया, जनता की सेवा करने के लिए विधायक थे, कोई फलाने व्यक्ति के जूते उठाने के लायक नहीं थे। कल के पोहरी के विधानसभा के चुनाव में वहां के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के धाकड़ जी कहते हैं मैं तो सिंधिया जी के वजह से पिका, एक कहता है मैं सिंधिया जी के वजह से पिका, एक कहता है मैं सिंधिया जी के जूते उठाने के लिए बिका, लेकिन बमोरी की जनता नहीं बिकी। बमोरी की जनता तय कर देगी 3 तारीख को, जब अपने सेवक केएल अग्रवाल जी को मौका देगी। सवा साल सिसोदिया जी मंत्री थे, भाई हमारे साले साहब ने कहा कि राशन की दुकान 3 लाख में, अरे गुना जिले में चले जाओ शहर में, ऐसा कोई व्यापारी नहीं बचा है, कोई पेट्रोल पंप वाला नहीं बचा है जिससे पैसे न उगाए हो। बोलिए पूर्व विधायक जी,
उनको फुर्सत नहीं थी बमोरी आने की, क्योंकि भोपाल में क्या कह रहे थे कर रहे थे ये शायद आपको जानकारी नहीं है, लेकिन जिस दिन हमारे अग्रवाल जी चुनाव जीतेंगे मैं वापस आपके बीच में आकर बताऊंगा कि सिसोदिया जी ने भोपाल में कौन से गुलछर्रे उड़ा रहे थे जब आपकी जनता विरोधी। बहुत सारी कहानियां हैं। मैं आखिरी बार आया था 1984 में एक सार्वजनिक सभा में जब इंदिरा जी ने शिलान्यास किया था राहुगढ़ में एनएफएल प्लांट का। उसके बाद आज पहली बार ये सार्वजनिक सभा में उपस्थित हूं, लेकिन कमलनाथ जी को धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जब वो दोबारा मुख्यमंत्री बने और इस क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देने आए तो मुझे भी अपने साथ ले आए। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे मम्मी और ससुर साहब जो है ये साले साहब, इनसे भी गुजारिश करता हूँ कभी कभी गलती से बुला लिया करें।